राजनीति में भ्रष्टाचार का कीचड़ साफ करने के इरादे से उतरे अरविंद केजरीवाल अब खुद इस दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। पद से हटाए गए मंत्री कपिल मिश्रा ने जैसे ही केजरीवाल पर 2 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगाया तो आप में हड़कंप मच गया। इन तमाम आरोपों के बीच बागी हुए कपिल मिश्रा आज एसीबी के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने वाटर टैंकर घोटाले को लेकर सभी शिकायतें और डिटेल्स एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने रखी। कपिल ने दावा किया कि घोटाला मामले में शीला दीक्षित को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के बीच लेन देन पर कपिल मिश्रा ने कहा कि वो इस केस को लेकर सीबीआई के पास जाएंगे। कपिल ने बताया कि उन्होंने सीबीआई से मिलने का वक्त मांगा है, वहां जाकर केजरीवाल और सत्येंद्र के बीच हुए लेन देन के खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा। इतना ही नहीं, कपिल मिश्रा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि सच सामने लाने के लिए अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। साथ ही उपराज्यपाल ने एसीबी से मामले की जांच कर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि रविवार को कपिल मिश्रा ने उपराज्यपाल से मिलकर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के बीच लेन देन की शिकायत की थी। रविवार को कपिल मिश्रा ने कहा था कि टैंकर घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट वो सरकार को काफी पहले ही दे चुके हैं, बावजूद इसके इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले रविवार को कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था कि उनकी आंखों के सामने सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए कैश दिया। साथ ही यह भी दावा किया कि सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के एक रिश्तेदार के लिए 50 लाख रुपए की लैंड डील कराई। वही इन आरोपों के बाद विपक्ष ने भी केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। तो 2 करोड़ के घूसकांड के आरोपों ने दिल्ली के सियासी पारे को बढ़ा दिया है। केजरीवाल अभी चुप है, जिसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वही दूसरी तरफ विपक्ष ने भी आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग लगातार जोर पकड़ते जा रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।